हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 25 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। समय गवाए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर उससे पहले एक बात दोस्तों, यदि मैं ऑप्शंस वाला क्वेश्चंस बनाता हूँ तो सर दोस्तों मैं बहुत कम क्वेश्चंस को कवर कर पाऊँगा, और ऐसे में मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लेता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सही अच्छा है। कम क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चन छूट जाएगा एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि मैं कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लूँगा तो वो ज़्यादा सही है। ऑप्शंस वाले में क्या है कि वीडियो लंबी बन जाएगी, फिर दिक्कत होता है बच्चों को देखने में। तो मैं सोचता हूँ कि बिना विदाउट ऑप्शंस ज़्यादा सही रहेगा। यदि आप लोग वैसे आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि क्या करना चाहिए। चलिए हम दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? वेन वॉज सेंट्रल एक्साइज डे ऑब्जर्व्ड? तो इसका सही आंसर दोस्तों 24 फरवरी, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक यवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे के लेखक कौन थे? कौन है? देवीर सिंह भंडारी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक यवा भारत द हीरो ऑफ टुडे? इसका सही आंसर है देवीर सिंह भंडारी, जिन्हें यवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे का के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजस्थान रॉयल्स टीम के हेड कोच से इस्तीफा दिया? हु रिजाइंड एज द हेड कोच ऑफ राजस्थान रॉयल टीम? इसका सही आंसर दोस्तों एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने राजस्थान रॉयल टीम के हेड कोच से इस्तीफा दिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसे राजस्थान रॉयल टीम के हेड कोच पर नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the head coach of Rajasthan Royal Team? इसका सही आंसर है दोस्तों ट्रेवर पेनी राजस्थान रॉयल टीम की हेड कोच पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसे वर्ष 2020 का शब्द निष्ठा सम्मान जीतना? Who won the word loyalty of the year 2020? इसका सही आंसर है डॉक्टर आशा शर्मा। डॉक्टर आशा शर्मा को 2020 का शब्द निष्ठा सम्मान दिया गया है, या फिर उन्होंने 2020 का शब्द निष्ठा सम्मान जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस राज्य ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना शुरू की? विच स्टेट स्टार्टेड द स्ट्रेंथ स्कीम टू मेक वोमेन सेल्फ रिलायंट? इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सामर्थ्य योजना की शुरुआत की, महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने के लिए सामर्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसरो ने किस वर्ष तक मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च करने की घोषणा की है? बाई वॉट ईयर इसरो अनाउंस टू लॉन्च मिशन चंद्रयान 3? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ष 2022। 2022 तक इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की घोषणा की है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लॉन्च पुस्तक द इपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉन्च्ड बुक द इपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला? इसका सही आंसर है दोस्तों भरत कुमार द इपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला के लेखक हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजोन इंडिया ने इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति अपना प्रतिस्पर्धा प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया? एमोसन इंडिया ट्राई अप टू स्ट्रेंथ इट्स कमिटमेंट टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो उन्होंने महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक के साथ प्रति समझौता किया है अपने प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए। किसने? तो अमेजोन इंडिया ने। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस शहर में फूलों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया? इन विच सिटी 2 डे फेस्टिवल ऑफ फ्लावर एंड हॉर्टिकल्चर वॉज ऑर्गेनाइज। इसका सही आंसर दोस्तों वाराणसी। वाराणसी में फूलों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, IAF चीफ राकेश कुमार सिंह किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? IAF चीफ राकेश कुमार सिंह हैज गोन अप 3 डेज विजिट टू विच कंट्री? का सही आंसर दोस्तों बांग्लादेश। IAF चीफ राकेश कुमार बांग्लादेश गए हैं 3 दिवसीय की यात्रा पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस राज्य ने बड़े होटल को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की? किस राज्य ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की? इसका सही आंसर दोस्तों केरल। केरल राज्य ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का घोषणा किया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 13 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महासागर को पार करने वाली सबसे युवा महिला कौन बनी? हु बिकम द यंगेस्ट वुमन टू क्रॉस द इंटरनेशनल ओशियन? इसका सही आंसर है दोस्तों जैस्मिन हैरिसन। जैस्मिन हैरिसन अंतर्राष्ट्रीय महासागर को पार करने वाली सबसे युवा महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक एग्रीकल्चर एक्ट 2020 के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ लॉन्च्ड बुक एग्रीकल्चर एक्ट 2020? इसका सही आंसर दोस्तों ए के राजन जी का बुक लॉन्च हुआ है एग्रीकल्चर एक्ट 2020। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में ई कुबेर वितरण प्रणाली शुरू की? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ई कुबेर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच स्टेट? इसका सही आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई कुबेर वितरण प्रणाली की शुरुआत की है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस बीमा कंपनी ने बीमा ज्योति नामक व्यक्तिगत बचत बीमा योजना शुरू की? विच इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड अ पर्सनल सेविंग इंश्योरेंस स्कीम कॉल्ड बीमा ज्योति? सही आंसर है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसका नाम है, इसको हम शॉर्ट में LIC भी बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 17 नंबर क्वेश्चन है, किसने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट 2021? इसका सही आंसर दोस्तों PM मोदी। PM मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2020 का के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मैरीटाइम इंडिया समिट 2020 का विषय क्या रखा गया था? एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया
मैरिटाइम सेक्टर एंड मार्केटिंग, ये क्या ये था थीम था एक तरह से कह सकते हैं मैरिटाइम इंडिया समिट का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस केंद्र शासित प्रदेश में सिविल सेवा परीक्षा के लिए नया केंद्र खोला गया? इन विच यूनियन टेरेटरीज अ न्यू सेंट्रल ओपन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में नया केंद्र खोला गया है? इसका सही आंसर दोस्तों लद्दाख, लद्दाख में सिविल सेवा परीक्षा के लिए केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में अपनी दूसरी वर्षगांठ कब मनाई? व्हेन डिड वी सेलिब्रेट आवर सेकेंड एनिवर्सरी इन प्रधानमंत्री किसान निधि योजना? इसका सही आंसर दोस्तों 24 फरवरी, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का दूसरा वर्षगांठ मनाया गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जोनल रेलवे यूजर्स कॉन्सल्टेटिव कमेटी में शामिल किया है, कॉन्स्टिट्यूटिव कम्युनिटी में शामिल किया है? हाउ मैनी पीपल वर इंक्लूडेड इन द जोनल रेलवे यूजर्स कॉन्स्टिट्यूटिव कम्युनिटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका सही आंसर है दोस्तों 8, 8 लोगों को शामिल किया गया है जोनल रेलवे यूजर्स कॉन्सल्टेटिव कमेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस राज्य की पुलिस लाइन ने जवानों के लिए रहने योग्य एक आदर्श बैरक की सुरक्षा शुरुआत की? विच स्टेट पुलिस लाइन स्टार्टेड अ परफेक्ट बैंक फॉर जवान्स? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जयपुर, जयपुर राज्य की पुलिस लाइन में ऐसा, वैसे राजस्थान होना चाहिए था आंसर, राजस्थान राज्य का बात बोला है तो इसका आंसर होना चाहिए था राजस्थान, लेकिन राजस्थान में जयपुर में ये पुलिस लाइन में ये किया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। उदयपुर में आयोजित मेवाड़ महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? हु वॉन द टाइटल ऑफ मेवाड़ वुमन प्रीमियर लीग हेल्ड इन उदयपुर? इसका सही आंसर दोस्तों कोनार्क नाइट राइडर्स, कोनार्क राइडर नाइट राइडर ने उदयपुर में आयोजित मेवाड़ महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, किस देश में गिद्ध के लिए विषैली दवाइयों का प्रतिबंध लगाया गया? किस देश में गिद्ध के लिए विषैली दवाइयों का प्रतिबंध लगाया गया? इसका सही आंसर दोस्तों बांग्लादेश। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भारतीय तेज गेंदबाज ने 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय पेसर का खिताब जीता? विच इंडियन फास्ट बॉलर वॉन द टाइटल ऑफ सेकेंड इंडियन पेसर प्लेइंग 100 टेस्ट मैच? इसका सही आंसर दोस्तों ईशांत शर्मा, ईशांत शर्मा ने कल के दिन में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के दूसरे तेज गेंदबाज बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पास, निर्यात संगठन फियो के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the new chairman of exported organization FIFO? सही आंसर दोस्तों ए शक्तिवेल को निर्यात संगठन के फियो के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और ये लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर दोस्तों अहमदाबाद में।
वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम इनाग्रेटेड, इसका सही आंसर दोस्तों अहमदाबाद। कल के दिन में अहमदाबाद में अपने भारत के राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। दोस्तों वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, कमेंट करें, अपना सुझाव दें और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को चाहूँ कोशिश करूँगा कि आपको मैं ला कर दूँ, जिससे आप लोग कम टाइम में कोई भी एग्ज़ाम का वेल तरीके से प्रिपरेशन कर सकें और कोई भी क्वेश्चंस मिस ना करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।